पटवारी, अब ये तो उसकी चयन से नाप किया जाना, क्योंकि चयन में केवल वो एकड़ आएगा। जब से हेक्टेयर लागू हो गया, नाप का पैमाना जब से आज से और हेक्टेयर लागू हो गया, ये आज से करीब मुझे लगता है कि 40 साल पहले, तो उसके बाद से जो एकड़ में नाप किया जाना बंद हो गया, प्रतिबंधित हो गया। लेकिन पटवारी लोग अभी भी एकड़ में कर रहे हैं, इतने इतने लंबे समय के बाद उनको फीता दिया गया कि आप फीते से नापिए, फीते में मीटर रहता है, मीटर से नाप लीजिए, उसमें हेक्टेयर आ जाएगा। लेकिन वो नहीं नापते हैं, वो चैन वही चलाते हैं जी, और उसके आधार पर वही उनके पास कोनिया रहती है, सब कुछ है, इतनी बार कहा गया लेकिन ये नहीं करते। और उसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा रीजन है, पटवारी मुझे ऐसा लगता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की चैन, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर में चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और पटवारी नहीं बल्कि जो गांव का वो है जमादार, जमादार उसको उस तक को मानता, तो वो सब पूरी चैन की कंप्लीट है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैन की पटवारी है, पटवारी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और कलेक्टर और एसडीओ तक कोई नहीं करना चाहते, नहीं करता, कोई नहीं करना चाहते, मैंने अच्छी तरह से देखा है। और उसके पीछे मैंने कई आईएएस ऑफिसर से भी कहा, तो कहा कि नहीं भाई देखिए, हम सबसे पहले कलेक्टर हैं जी, हम उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस जी, कलेक्टर एज कलेक्टर हमको बहुत ज्यादा पावर्स मिलेंगे जी, बहुत ज्यादा पावर्स मिलेगा। और जो हमारे लिए सबसे इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस एज ए डीएम, हम पुलिस को हमको कहना पड़ता है, पुलिस आजकल हो गई है किसके अंडर में हो गई है, पुलिस हो गई है एसपी के अंडर में, अब वो डायरेक्ट इनके डीएम के अंडर में नहीं, लेकिन पटवारी अभी भी कलेक्टर के अंडर, कलेक्टर जैसा कलेक्टर चाहेगा वैसा पटवारी कहेगा जी। इसलिए पटवारी को वो बड़ा महत्व देते हैं, भाई हमारा सारा काम करने वाला, हमारे ऑर्डर को फॉलो करने वाला सब कुछ पटवारी ही है, तो इसलिए पटवारी को तो हम रखेंगे अपने अपने में, जैसा वो पटवारी, तो पटवारियों को प्रोटेक्ट करते हैं। आप कोई भी शिकायत करेंगे तो पटवारी खिलाफ बड़े मुश्किल से कार्यवाही, और पटवारी के खिलाफ कार्यवाही तभी होती है जब उसने कलेक्टर के आदेश का पालन न किया, नहीं तो पटवारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करता है। वो नाप में कभी एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, चाहे जो इसीलिए है कि वो हमको जो जीपीएस मिला हुआ है उसके आधार पर तो नाप करेंगे तो नाप सही आएगी, सही नाप आएगी तो विवाद खत्म होगा, लेकिन विवाद खत्म होगा तो फिर काहे के लिए बैठे हुए जी जी, तो विवाद चाहिए, ये रेवेन्यू ऑफिसर को विवाद चाहिए, यदि विवाद नहीं तो अदालतें बंद हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अभी लैंड रेवेन्यू कोड में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत ज्यादा जी, तो वो अमेंडमेंट वैसे काफी यूजफुल है, उनको मैंने देखा जी, तो उसमें काफी काफी जो अधिकार हैं पटवारी कानून को, अधिकारों में कुछ कमी की गई है, ऐसा नहीं किया गया है, कुछ जो है सुधार किया गया है, वो सुधार महत्वपूर्ण जी, धीरे धीरे हो रहा है, लेट अस होप फॉर द